श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी एक्सपर्ट प्रेडिक्ट रिजल्ट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है 2024। आरजे रौनक की वीडियो है, मिलके देखते हैं जबरदस्त सा वीडियो। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों बस वो दिन आने ही वाला है जब दूध का दूध और फिनाइल का फिनाइल हो जाएगा। जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी 400 पार होगी या 250-300 पर ही अटक जाएगी। कुछ ही दिन में ये भी पता लग जाएगा कि क्या राहुल बाबा कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे या फिर से बंटाधार करवाएंगे जैसा कि वो पाषाण काल से करवाते आ रहे हैं। खत्म। बस एक फेज की वोटिंग बाकी है। प्रशांत किशोर से लेकर गोरखपुर के चुन्नू हलवाई तक सबने अपने अपने आंकड़े का ठेला लगा लिया है। हर रोज पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से संभावित सीटों का आंकड़ा जनता के सिर पर उड़ेला जा रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना असल रिजल्ट से पहले हम भी एक बार इस बात का पोस्टमार्टम कर लें। आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर मार्केट में क्या हवाबाजी चल रही है। आखिर वो कौन से स्टेट है, कौन से राज्य है जहाँ बीजेपी ढीली पड़ी तो उसकी लुटिया डूब भी सकती है। वो कौन से रीजन है जहाँ बीजेपी ने अगर 2019 से अच्छा किया तो उसकी नैया 350 पार भी जा सकती है। इसी तरह 350 सीटों पर एक साथ लड़ रहा इंडिया अलायंस सच में एंटी बीजेपी वोट बंटने से रोक पाया तो क्या सारा खेल ही बदल जाएगा? तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस एक बार केजरीवाल जी इजाजत दे दें तो सर प्लीज। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो दोस्तों देश के हर गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे गन्ने के जूस की रेहड़ी से लेकर बियर बार तक यही चर्चा गर्म है कि 4 जून को क्या होने वाला है। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि 10 मिनट का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्शन रिजल्ट पर और कोई डिस्कशन सुनने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अगले 10-12 मिनट में हम आपको ऐसे हर एक स्टेट के बारे में बताएंगे जो पूरे चुनावी नतीजों की बाजी पलट सकता है। हम आपको हर उस बड़े इश्यूज के बारे में बताएंगे जिसने इन चुनावों को डोमिनेट किया है। मगर इससे पहले कि हम बातों की जेसीबी से विश्लेषण की खुदाई का काम शुरू करें, सोचा सबसे पहले आपकी थोड़ी कमाई करवा देते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म पॉकेट ब्रोकर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए $50,000 तक आपके डेमो अकाउंट में देता है जिससे आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। और पॉकेट ब्रोकर आपको मौका देता है स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेड करने का 30+ इंडिकेटर्स एंड 9 रेडी टू गो स्ट्रेटजीज के साथ जिससे आपका प्रॉफिट होना पक्का है बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। और हां, 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी है। रजिस्टर करना बड़ा आसान है, एक ईमेल एंड पासवर्ड लगा के रजिस्टर करो, प्रोमो कोड रौनक जरूर यूज करना जिससे आपको मिलेगा 60% एक्स्ट्रा अमाउंट। पॉकेट ब्रोकर पर डेली टूर्नामेंट्स होते हैं जिससे आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं लाखों के इनाम। सोशल ट्रेडिंग फीचर से दुनिया भर के ट्रेडर्स के ट्रेड को कॉपी करके खुद भी कमा सकते हो। मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने एक ट्रेड लिया है जिसमें ये देखो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैं तो अपना प्रॉफिट विड्रॉ भी कर सकता हूं। पॉकेट ब्रोकर कोई फीस चार्ज नहीं करती और अमाउंट आप सीधा बैंक या फिर UPI में ले सकते हो। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में जाइए या पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया उस पर क्लिक करके रजिस्टर करिए और शुरू हो जाइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस इलेक्शन से कुछ महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। इस नारे के साथ ही ये बहस छिड़ गई कि क्या सच में बीजेपी 400 पार जा सकती है। मगर जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा ये क्लियर हो गया कि बीजेपी का 400 पार का ये नारा अपने वर्कर्स में जोश भरने के लिए दिया गया था और बाद में मोदी जी ने भी खुद ये बात कह डाली। इसे हम उस 400 पार वाली बहस में नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले इस सिनारियो पर बात करते हैं कि क्या बीजेपी पिछली बार से ज्यादा ला सकती है और अगर ला सकती है तो ये काम आखिर होगा कैसे। दोस्तों 2019 में बीजेपी ने 300 सीटें जीती थी और एनडीए ने 353। इस बार बीजेपी अपने दम पर सच में 350 सीटें लाना चाहती है तो इसके लिए एक साथ कई चीजें उसके फेवर में काम करनी होंगी। सबसे पहले तो बीजेपी ने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी वहां उसे उन सीटों को होल्ड करना होगा। ये देखते हुए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तब भी बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीत लाई थी। इसके बाद 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इससे यही लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो 2019 वाला अपना परफॉर्मेंस दोहरा ही लेगी। इसी तरह बिहार में बीजेपी ने पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस बार भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस दोहराना मुश्किल नहीं होगा।
इसके अलावा एमपी और राजस्थान में हाल ही में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है। गुजरात तो 30 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इन स्टेट में बीजेपी अपना 2019 वाला परफॉर्मेंस रिपीट कर लेगी। बीजेपी को अगर सच में 350 के फिगर को टच करना है तो उसकी नजर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जनता का गुस्सा है, संदेश खाली का मुद्दा गर्म है। बीजेपी ने पिछले 8-10 सालों से यहां काफी काम किया। इसी तरह बीजेपी को उम्मीद ये भी है कि तमिलनाडु में अन्नामलाई का जादू चल सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी अब तक की अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा उसे लगता है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस सरकार के खिलाफ गुस्से का फायदा उठा सकती है। तेलंगाना में बीजेपी 5 सीटें तक जीत सकती है। उड़ीसा में वो अपना सीटों का आंकड़ा 8 से बढ़ाकर 10 कर सकती है। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार 22 सीटें जीती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि वो यहां भी पिछली बार का परफॉर्मेंस दोहरा सकती है या उससे भी ज्यादा सीटें ला सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए 2019 का परफॉर्मेंस दोहराने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र। इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में 48 में से 43 सीटें जीती थी और एनडीए ने 41 सीटें। लेकिन इस बार उद्धव खेमे ने अगर सच में अपना दम दिखा दिया तो बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी को अगर सच में 300 पार जाना है तो उसे 2019 वाले सारे स्टेट तो जीतने ही होंगे, साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे स्टेट में अच्छी सीटें जीतनी होंगी। बंगाल और कर्नाटक में भी सीटें बढ़ानी होंगी। अगर बीजेपी सच में ऐसा कर पाती है तो 400 न सही वो 330 पार तो जरूर कर सकती है। इतना बड़ा देश, इतना डाइवर्सिफाइड देश, अगर एक पार्टी मूव कर रही तो लहर का चुनाव है मानक जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं 375 to 400। दोस्तों 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर कुल 52 सीटें जीती थी और कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन ने कुल 91 सीटें अपने नाम की थी। मतलब सरकार बनाना तो दूर, ये लोग सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। 2019 में बीजेपी को अपने दम पर जब 37% वोट मिला था और एनडीए को 45%, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 19% वोट मिले थे और पूरे यूपीए को ही 25% वोट मिले थे। मतलब एनडीए गठबंधन को कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन से 20% वोट ज्यादा मिले थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बाजी पूरी तरह पलट जाएगी। राजनीति में जहां 1-1% में सरकारें बदल जाती हैं, वहां 20% का ये वोट डिफरेंस इंडी गठबंधन कैसे पूरा करेगा? क्या इसके लिए राहुल बाबा ने अपने से भी पहुंचे हुए किसी बाबा से झाड़ा लगवाया है, या पार्टी जादू टोना करके बीजेपी की सीटें कम करवा देगी? आइए उसी सिनेरियो पर बात करते हैं। कांग्रेस की इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पिछली बार यूपीए होने के बावजूद विपक्ष बिखरा हुआ था। अब जब से इंडिया अलायंस का जन्म हुआ है, 300 से ज्यादा जगहों पर इन लोगों ने हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कॉमन उम्मीदवार उतारा है, तो इनको उम्मीद है कि इस बार बाजी पलट जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो दो चीजों को एक साथ होना होगा। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान, एमपी और गुजरात तक, उत्तर और पश्चिम के वो सारे राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से लगभग क्लीन स्वीप कर चुकी है, वहां उसे नुकसान हो और ये सीटें छिटक कर इंडिया अलायंस के पास आ जाए। दूसरा, जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडी स्ट्रांग है वहां वो और गेन करें। जैसे केरल जैसे राज्य में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर करेगी। तमिलनाडु में वो डीएमके की सहयोगी है तो वहां भी इंडी बेहतर करेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर अच्छा करती है तो बीजेपी को यहां भी नुकसान होगा। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी वीक है, यहां आप और कांग्रेस आमने सामने है। अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो आखिर में फायदा इंडिया अलायंस को ही होगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में किसान मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, कांग्रेस यहां भी अपने फायदे की उम्मीद लगाए बैठी है। नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस पिछली बार से बेहतर करने की उम्मीद लगाए बैठी है, खासकर त्रिपुरा और मणिपुर में। इसके अलावा कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी की इमेज इंप्रूव हुई है, लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे। यानी ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो अगर सच में जमीन पर वर्क करते हैं तो कौन जाने 4 जून को बाजी पलट भी सकती है। हेलो, तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। अब हम अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात माने तो ज्यादातर का भी यही मानना है कि भले ही बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें ना आए, मगर इस बार भी सरकार उसी की बनेगी। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि अपनी वेलफेयर स्कीम और पीएम मोदी के फेस पर बीजेपी इस बार भी दमदार परफॉर्मेंस देगी। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट में तो वो सभी को सरप्राइज भी कर सकती है। प्रशांत साफ कहते हैं कि बीजेपी 400 या 370 सीटें तो नहीं लाएगी, लेकिन इस बार भी वो आराम से सरकार बना लेगी। बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। योया जी, योगेंद्र यादव जी, जो बीजेपी के मुखर विरोधी माने जाते हैं, वो तो बीजेपी के इतने खिलाफ हैं कि अगर उनके घर दूध भी फट जाए तो उन्हें इसमें मोदी की साजिश लगती है।
लेकिन इन योया जी आई मीन योगेंद्र यादव जी का भी मानना है कि बीजेपी और एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस उत्तर भारत और साउथ के स्टेट में अच्छा गेन करेगी। वो बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं दे रहे, लेकिन उन तक का ये मानना है कि बीजेपी और एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरा। मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए, उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच। वेटरन जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई का मानना है कि बीजेपी और एनडीए का परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे स्टेट में उनका गठबंधन कैसे काम करता है। अगर बीजेपी अपने अलाइज के साथ सही ट्यूनिंग बिठा लेती है तो वो फिर से 300 सीटें जीत लेगी। मगर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी की सोच या जानकारी इनसे अलग है। उन्हें लगता है कि बीजेपी इस बार भारी प्रेशर में है और बीजेपी की सीटें 220 तक आ सकती है। हेलो, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी तो 220 सीट पार तक जाएगी, कुछ तो कह रहे हैं बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 325 सीटें नहीं कराएगी। लेकिन एक चीज जो सच्चाई है वो ये कि आज की तारीख में बीजेपी स्ट्रगल करती है। अब तक टोटल 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है। इन 6 फेज में अब तक 64-65% के आसपास वोटिंग हुई है। 2019 में यही वोटिंग परसेंटेज 67 यानी 67 के आसपास था। मतलब अब तक के आंकड़ों के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज लास्ट टाइम से थोड़ा कम रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब लोग भारी तादाद में घर से निकलकर वोट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बदलाव के लिए वोट करने निकले हैं, और जब वोटिंग परसेंटेज कम हो तो इसका मतलब है कि लोगों में वोट करने के लिए उत्साह नहीं है। मगर इससे भी आप ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि यहां फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पक्ष ज्यादा वोट कर रहा है और कौन सा पक्ष कम वोट कर रहा है। मसलन इन चुनावों में शुरू में देखा गया कि जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां जमकर वोट हुआ, और जो सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी वहां वोटिंग कम हुई। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि मुस्लिम जो आम तौर पर बीजेपी का वोट बैंक नहीं माने जाते, वो सरकार बदलने के लिए घर से निकले हैं, और जो बीजेपी का वोटर है उसे लगता है कि वोट न भी दें तो भी आएगी तो बीजेपी ही। इसलिए अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कुछ सॉलिड कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं। ये कह पाना वाकई में मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि किसको फायदा किसको नुकसान, उसकी बड़ी वजह ये जो वोट करने नहीं आए वो कौन लोग। दोस्तों सच तो ये है कि पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2004 में जब बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, सबको लग रहा था कि वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी हार गई। 2014 में जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी, तो उसने सरकार बना ली। 2019 में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी पहले से ज्यादा सीटें लाकर प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी हो गया। इसीलिए ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि इस बार आखिर होगा क्या। मगर फिर भी ये देखते हुए कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस या इंडिया अलायंस ऐसा कोई बड़ा एजेंडा नहीं खड़ा कर पाई है, उससे यही लगता है कि शायद कोई बड़ा सरप्राइज न हो। दूसरी तरफ इस इलेक्शन में बीजेपी के तश्कर में कई तीर थे। एक तरफ उनके पास गिनाने के लिए आयुष्मान भारत और मुफ्त अनाज जैसी वेलफेयर योजनाएं थी, नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा था, और धारा 370 हटाकर और राम मंदिर बनवाने जैसी ऐसी बातें थी जिसे उनके विरोधी भी चाहकर झूठा साबित नहीं कर सकते। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो जब ये बना था तब इसका बनना बड़ी बात थी, लग रहा था कि कुछ अलग होगा। मगर इसके बनने के बाद पहले नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हो गई, फिर पंजाब जैसे स्टेट में इंडिया अलायंस से जुड़ी आप और कांग्रेस ही आमने सामने आ गई, बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन करने से मना कर दिया, फिर कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती से इनकी बात नहीं बनी। तो इन सबसे हुआ ये कि चुनाव बीतने के साथ साथ इंडिया अलायंस की चमक भी फीकी पड़ती गई। लेकिन किंतु परंतु हम फिर से ये कहेंगे कि राजनीति में एक होता है अंडर करंट, जिसके बारे में कोई दावे से कुछ नहीं कह सकता। अब हमारे इस सारे एनालिसिस के बावजूद कुछ ऐसा अंडर करंट भी हो सकता है जो हम में से कोई ना देख पाए, और ऐसा हुआ तो सच में बहुत सारे लोग शॉक रह जाएंगे। बाकी 4 जून को ये पता लग जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए किस किस की 2 जून की रोटी का बंदोबस्त होने वाला है, और ईवीएम का चरित्र हनन कौन कौन करने वाला है। खैर, कौन बैठेगा सत्ता में और कौन बैठेगा विपक्ष में, इस बारे में अगर आपकी कोई राय है, आपकी कोई एनालिसिस है, आपका कोई पॉइंट है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करिए पॉकेट ब्रोकर पर, और यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 60% अमाउंट। बाकी अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। यहीं पर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद। अजी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आरजे रौनक का, बात कर रहे थे इलेक्शन रिजल्ट जो है वो प्रेडिक्शन के ऊपर, और ये प्रेडिक्शन तो अब की बार 400 पार वाला सीन नहीं भी होता तो, लेकिन मोदी साहब और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो पहले से ज़्यादा सीटें निकाल जाएंगे और हुकूमत इनकी ही बनेगी, और उस पर इनको नुकसान भी कहीं किसी स्टेट में उठाना पड़ सकता है कि जहाँ पे उनकी पहले से सरकार मौजूद है वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस वो नहीं कर सकते, उनके वही वाली सीटें ही अगर नहीं निकाल पाते तो
पहले से सीटें कम भी हो सकती हैं। तो लेकिन पता 4 जून को ही लगेगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद यही है और जितने भी प्रडिक्ट करने वाले हैं, जो गुरु हैं, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें निकाल पाएगी। 400 वाला आंकड़ा भी पार अगर ना भी हो, लेकिन पहले से वो 8-10 सीटें ज़रूर इनकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे, बीजेपी ने जो है ये नारा लगाया चाहे इस बार 400 पार, तो उनको पता है कि उन्होंने जो दो दफ़ा जो दो टनौर में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो जो है पूरी इंडिया में पता है, पूरा इंडिया ग्राउंड रियलिटी पे जानता है कि भाई जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो ये नज़र आ रहा है कि भाई इस दफ़ा जो है वो 400 पार होगा, लेकिन अगर वो इलेक्शन कंपेन हम चेक करें, लोगों का रुझान चेक करें, लोगों का बयानियाँ सुने, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस दफ़ा जो है वो 400 पार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कुछ स्टेट हैं जिनमें ये बात नज़र आ रही है कि भाई 400 पार होगा, कुछ स्टेट हैं आवाम कह रही है कि भाई इस दफ़ा 400 पार नहीं होगा, वो बीजेपी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई हमारे स्टेट में, हमारे यानी ग्राउंड रियलिटी पर हमारे हल्के में ऐसे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर अगर देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, पूरे इंडिया को देखा जाए, तो भाई जो परफॉर्मेंस है बीजेपी पार्टी ने दी है वो किसी पार्टी ने भी इस तरीके से या इस स्पीड से जो है परफॉर्मेंस इंडिया में नहीं दिया है जो बीजेपी ने वहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और इस दफ़ा जो अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पे जो है वो इस दफ़ा मुझे लग रहा है, हर किसी की अपनी सोच है, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा 400 पार कर जाएंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है हमें यहाँ बैठे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से नज़र आ रही है, वो इस दफ़ा 400 पार की नज़र आ रही है। बिल्कुल, देखिएगा अगर 400 पार नहीं भी होता तो उसमें कोई नहीं है, लेकिन देखिए क्या अब क्या है कि वो अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही कहती रहेंगी कि भाई देखा गवर्नमेंट तो बीजेपी की है लेकिन हमने उनको 400 पार नहीं करने दिया, तो भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो परफॉर्मेंस दिखानी है वो ये है कि आपने उनको जो है ना 250-300 तक डिपेंड करना है, और फिर आप सबने मिलकर जो है ना 300 से ऊपर सीटें लेनी है, तो फिर ही आप हुकूमत कर सकते हो। लेकिन अगर वो फिर भी पिछली दफा देखिए अकेले बीजेपी जो है ना 303 सीटें लेकर गई और अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 350 जो सीटें बनाई और फिर हुकूमत में आए, और अगर इस दफा वो अपने अपनी सीटों को 303 से अगर 320 भी कर लेते हैं और इत्तेहादियों को मिलाकर 370 हो जाती है, तो आर्टिकल 370 जो है ना वो तो क्रॉस हो ही जाएगा, हुकूमत तो फिर भी बीजेपी की बननी है। तो जो भी थिंक टैंक हैं अब वो इसी पे ऊपर कर रहे हैं कि भाई 400 पार होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सभी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बीजेपी की है, तो भाई 400 पार हो या ना हो लेकिन फिर भी वो अक्सरियत में होंगे। अगर उनके पास 370 भी पार हो जाए, 350 है इस दफा, तो फिर भी वो अक्सरियत में है, तो उनको किसी की मुताजी की जरूरत नहीं है हुकूमत के लिए। इस वक्त भी वो सत्ता में है और आने वाला दौर भी जो है वो भी बीजेपी का है और आने वाली सरकार भी मोदी सरकार ही है। बिल्कुल जी, आने वाली सरकार भी मोदी सरकार ही है, और एक मुझे तो सिर्फ एक वजह से मैं कहता हूं कि मोदी सरकार को आना चाहिए, और वो वजह यही है कि ये जो तरक्की का सफर है ये कंटिन्यू रहे और रुके ना, क्योंकि कोई भी नई सरकार आएगी तो एक दफा इसको झटका जरूर लगे। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए